The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं कि हे भगवान, आपका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको भर्ती हो जाना चाहिए, आपके दिमाग की नस फट सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको अटैक आ सकता है, आप मर सकते हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ब्लड प्रेशर को आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से सीरियसली लेना चाहिए? क्या ये जानलेवा होता है? क्यों इसे साइलेंट किलर बोला जाता है? जी हाँ, इसे साइलेंट किलर भी बोला जाता है। कई लोगों को ये नहीं पता होगा और कई लोग इससे भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हाँ, इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, लेकिन ये साइलेंट किलर है। और साइलेंट किलर का ये मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर हाई अगर आपका रहता है तो आपकी उम्र जो है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। लिटरली आपके उम्र के जितने भी साल हैं, जितने भी उम्र आपकी लिखी हुई है या आपकी बनती है आपके हेल्थ के अनुसार, आपके कंडीशंस के अनुसार, उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो उम्र आपकी कम हो जाएगी। सो व्हाई इज दैट? उसके लिए कुछ बेसिक्स आपको समझने होंगे, तीन चार कॉन्सेप्ट्स। पहला ये कि ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो खून की नसों पे खून सब अप्लाई करता है। खून की नसों में जाने वाला खून, उसकी नसों में जो प्रेशर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दो पैमाने में गिना जाता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर वाला नीचे वाला। सिस्टोलिक 140 और 120, 100 ऐसे जो सुनते हैं हम ज्यादातर लोग, तो वो ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक होता है। अगर वो 140 से हाई है तो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, सॉरी। और अगर डायस्टोलिक जो नीचे वाला है वो 90 से ज्यादा है तो वो भी हाई माना जाता है, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्लड प्रेशर नीड्स टू बी अंडर वेरी कंट्रोल। एंड सिस्टोलिक इज द प्रेशर व्हेन योर ब्लड वेसल, योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब दिल रिलैक्स करता है, व्हेन योर हार्ट रिलैक्सेस, दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, ये है क्या? अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त बढ़ जाता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव अ डिजीज। अगर आपका ब्लड, इफ योर ब्लड प्रेशर इज हाई ऑन अ सर्टन टाइम, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉजेज। आप स्ट्रेस में, पहले ये समझना है व्हाट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। एवरी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हर प्रकार का फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, चिंता, जिज्ञासा, वरी, एंजाइटी, ये सारी चीजें टेम्पररीली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। अ पर्सन हु इज रनिंग विल हैव हायर ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू समबडी हु इज सिटिंग डाउन, एंड समबडी हु इज स्टैंडिंग विल हैव हायर ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू समबडी हु इज स्लीपिंग। सो व्हाई इज दैट? बिकॉज जब हमारी मसल्स खड़े होने, बैठने या चलने फिरने के लिए काम कर रही है, सो वो प्रेशर से ब्लड को फ्लो बढ़ा रही है, तो व्हेन द फ्लो इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो हैविंग अ हायर ब्लड प्रेशर लाइक 160-170 इज नॉर्मल व्हेन यू आर रनिंग। जब आप दौड़ रहे हैं तब आपका ब्लड प्रेशर 160-170 तक जा सकता है। सो एक प्रूफ करता है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ थोड़ा हाई रहने से, कुछ देर तक हाई रहने से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इट्स ओके, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। सो कैसे ब्लड प्रेशर आपकी जान लेगा? हाउ इज ब्लड प्रेशर लीथल इफ टेम्पररीली स्पाइक्ड ब्लड प्रेशर इज ओके? सो द पॉइंट हियर इज द वर्ड ऑफ ड्यूरेशन। जी हाँ, सबसे बड़ा चीज है ड्यूरेशन। इफ योर ब्लड प्रेशर इज कंटिन्यूअसली हाई देन देयर इज अ प्रॉब्लम, नो मैटर इफ इट इज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर डायस्टोलिक हाई है या सिस्टोलिक हाई है, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर वो डेंजरसली कंटिन्यूअसली हाई है, देन दैट इज, वो फिर खतरनाक है। मान लीजिए 180 या नीचे वाला 120, ऊपर वाला 180, सिस्टोलिक 180 और नीचे वाला 120 के ऊपर रह रहा है कंटिन्यूअसली, राइट? देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कंटिन्यूअसली मीन्स इफ इट इज गोइंग हाई लाइक दैट और 5 मिनट में ठीक हो गया बिना कुछ किए, रिलैक्स करने से, देन इट्स ओके।
मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं है, वरना इफ इट इज नॉट कमिंग डाउन तो मेडिकल अटेंशन डायरेक्ट आपको जाना होगा हॉस्पिटल एमरजेंसी, और उसके साथ सिम्टम्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये अलग सवाल है। सी, ब्लड प्रेशर के दो कारण होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है, और ये उम्र के साथ, शरीर के स्मोकिंग और लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल के साथ खून की नसों की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की क्षमता कम ज्यादा हो जाती है, और ये प्राइमरीली खून की नसों का अडेप्टिबिलिटी कम हो जाने के वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। दूसरा सेकेंडरी कारण जो है वो है बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स विच एक्चुअली कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए कोई दवाई खाना बंद कर दिया तो वो उसके वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मान लीजिए कोई दवाई स्विच कर लिया, वो दवाई असर नहीं कर रही है, या वो कम पावर की दवाई, या वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई, हमें नहीं पता वो असर कर रही नहीं कर रही है, तो भी ब्लड प्रेशर सेकेंडरी कारण। या मान लीजिए किडनी के वजह से, क्योंकि किडनी का काम है पानी पानी और नमक पानी का बैलेंस रखना बॉडी में, क्योंकि नमक और पानी निकालना या रोक के रखना किडनी करती है, और ये दोनों ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। नमक बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड द सॉल्ट किडनी फंक्शन अफेक्ट्स योर ब्लड प्रेशर। सो इफ दैट इज द रीजन, तो ये सेकेंडरी कारण हो गया। देन अदर रीजंस लाइक हॉर्मोन्स, राइट? अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड से कैटाकोलामीन्स या कोई एड्रीनलीन, ऐसे कोई हॉर्मोन्स फटाफट बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, देन ऑल्सो योर ब्लड प्रेशर विल बी हाई। सो देर आर सो मेनी रीजंस फॉर हाई ब्लड प्रेशर टू बी देयर, है ना? हमें क्या करना होगा, साइन सिम्टम्स, पेशेंट के लक्षण और उसके टेस्ट रिपोर्ट से समझना होगा कि क्या कारण है ब्लड प्रेशर का। क्या ये बुरी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ठीक करके देखो। क्या ये दवाइयाँ का साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स दवाइयाँ बदलिए, दवाई शुरू करके देखें, डाइट बदल के देखें, एक्सरसाइज करके देखें। सो एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी डन टू एक्चुअली मैनेज योर ब्लड प्रेशर इन द नॉर्मल रेंज। हमारा टारगेट क्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादातर नॉर्मल रेंज में हो। सो दैट्स हाउ ब्लड प्रेशर इज मैनेज। अगर आप नहीं करोगे तो क्या हो, अगर आपने ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं करा, देन यू विल हैव कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर से कोई भी बाहर भी अगर कोई पाइपलाइन में प्रेशर ज्यादा हो तो वो पाइपलाइन में क्रैक्स आएंगे, वेयर एंड टेयर होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो हाई ब्लड प्रेशर इलास्टिक खून की नसों में जब हाई रहता है ज्यादा देर तक, तो वो खून की नसें अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, उसके अंदर क्रैक्स, इन्फ्लामेशन, इंजरीज ज्यादा मात्रा में हो जाती है, जो 60 70 80 की उम्र में होनी चाहिए वो 40 50 की उम्र में, 30 की उम्र में होने शुरू हो जाती है। मोटापे से भी यही चीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर से भी यही चीज होगी, क्योंकि मोटापा अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। डायबिटीज से भी यही चीज होगी, स्मोकिंग से भी यही चीज होगी। तो ये सारी चारों चीजें अगर एक साथ बैठ जाए आपके अंदर, तो आपका तो ब्लड प्रेशर और कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही होंगे। खून की नसों में क्रैक्स, वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होना, प्लेटलेट जमा होना, क्लॉट्स बनना, अटैक आना, स्ट्रोक्स होने, क्लॉट खुल के वहां वो दिमाग में चले जाना, पैरों में दिक्कत होनी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी वजह से होती है। इट्स नॉट अबाउट एक कोई चीज बदल दें, या आज से हम नमक सेंधा कर दें, दूसरा नमक खा लें, एप्पल साइडर विनेगर खा लें, या फलाना ढमकाना खा लें। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके केस में क्या क्या कारण है। एक कारण, एक स्टेप लेना इज गुड ऑलवेज, राइट? ऑब्वियसली यू नीड लो सॉल्ट डाइट। सेंधा नमक से काम नहीं होगा, बिकॉज सेंधा नमक और नॉर्मल सॉल्ट दोनों सोडियम क्लोराइड ही है, सॉल्ट ही है, राइट? यहाँ सॉल्ट कम खाने से काम होगा, सॉल्ट बदलने से नहीं। सॉल्ट कम खाना है, पानी की मात्रा बैलेंस रखनी है कि यूरिन आते रहे, यूरिन में कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सरसाइज करनी है, सैलेड ज्यादा खाने हैं, डैश डाइट खाना है, एंड शुगर, वेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है। सो इससे क्या, अगर नहीं करोगे तो स्ट्रोक होगा, नहीं करोगे तो हार्ट अटैक होगा, नहीं करोगे तो अंदर खून की नसें खराब होगी, जो उम्र में होना चाहिए उससे 10 साल पहले, 20 साल पहले होगा, और आपकी टेक्निकली जो जान है वो जल्दी जाएगी। दैट्स वाई यू आर किल्ड बिकॉज ऑफ क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। विद दैट दैट मीन साइलेंट किलर मीन्स उसका कोई सिम्टम नहीं होता, देर इज नो सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। यू गेट सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन डैमेज,
जब हाई ब्लड प्रेशर लगातार कई महीनों तक, कई टाइम तक, कुछ दिनों तक, कई हफ्तों तक रहते रहने लग जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना हाई है, आपके ऑर्गन्स में डैमेज होता है। आंखों में डैमेज होगा तो आंखें में दर्द होगा, सर में, ब्रेन में डैमेज होगा तो ब्रेन में दर्द होगा, तब आपको सिम्टम आने शुरू होते हैं। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑर्गन डैमेज। सो ब्लड प्रेशर हैज नो सिम्टम्स।